फाइनली यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी राइड। क्या ही मस्त सनराइज है सामने का, एक नंबर। ओह माय गॉड, टिंग टिंग फ्लुएंट अतल बदल हो गए पूरे। गाइस ये बना हुआ है जयगुरुदेव का टेंपल मंदिर। तो ये दूसरा है और चटनी और तो एक पकौड़ी 60 रुपये का। टैंक लग रहा है काफ़ी बड़ा, रॉकेट का तो नहीं है कुछ। और बाकी यही है इस पानीपत की इतिहास की कहानी। हमारे 500 किलोमीटर हो गए हैं इस राइड के। ये पार्क बना हुआ है और यहाँ पे हम टेंट ला सकते हैं अपना। काफी अच्छी जगह है, एक नंबर। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं हम अपने घर से और चल रहे हैं गौरव के घर। पहले वहाँ से गौरव को लेते हैं, गौरव को थोड़ा काम है वो भी करना है, उसके बाद निकलेंगे वहाँ से। और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस राइड पर, क्योंकि काफ़ी अच्छी राइड होने वाली है लद्दाख की और इस मंथ में, जो कि रस नहीं होगा बिल्कुल भी। चलिए चलते हैं। फिलहाल गौरव आ चुका है और मैं रेल लाइन भूल गया था, रेल लाइन लेने के लिए घर पे गया था। और फाइनली यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी राइड। बोलो हर हर महादेव, शिव शंभो, शिव शंकर। चलिए चलते हैं यहाँ से, अब थोड़ा लाइट सारी को लेते हैं आगे, ठीक है इससे। और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस राइड में। सितंबर में क्या है रस कम रहता है, तो इस चक्कर में मज़ा ज़्यादा आता है वहाँ पर। और काफ़ी हरियाली हो जाती है, बारिश बंद हो जाती है वहाँ की इस चक्कर में। और भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है इस राइड पर, ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ। तो इस ब्लॉग पर और इस पूरे सीरीज पर बने रहें लास्ट तक। ये मैं पेट्रोल कम से कम आगरा तक पहुँची जाएगी, आगरा तक, उसके बाद फुल कराना है हमको तो फुल, क्योंकि यहाँ पर 106 रुपये है, वहाँ पर 97 96, तो वहीं से फुल कराएंगे। गौरव को फुल कराने देते हैं पहले। ये हाईवे आ चुका है मेन हाईवे, यहाँ से आगरा के लिए और धौलपुर इधर जाना है हमको, और इधर से मुरैना सीधे झांसी के लिए राइट मुड़ना पड़ता है। तो बस ही चल रहे हैं इस हाईवे पर। तो गाइस पहुँच चुके हैं बाबा देवपुरी के स्थान पर। और कहा जाता है यहाँ से अगर आप इधर साइड जा रहे हो तो आपको यहाँ से दर्शन करते हुए निकलना होता है, इससे आपकी जो यात्रा है वो मंगल में हो। तो दर्शन करके जाएंगे हम यहाँ से, बाहर से दर्शन कर लेंगे लेकिन दर्शन करना ज़रूरी है। और काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ साइड में, वैसे यहाँ पर काफ़ी दुकानें प्रसाद वगैरह के लिए, यहाँ प्रसाद लेना तो आपको। ये हैं देवपुरी वाले बाबा, बाहर से हाथ जोड़ लेते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं सीधे। और तो काफ़ी दुकान लगी हुई है यहाँ पर, आगे भी लगी हुई, पीछे भी दोनों साइड दुकानें हैं। और साइड चलते हैं आगे साइड, आगे पड़ेगी चंबल नदी। यहाँ से धौलपुर आगरा 62 रह गया है, धौलपुर 7 किलोमीटर। हो चुकी है सुबह और सूरज देवता भी ऊपर आ चुके हैं। क्या ही मस्त सनराइज है सामने का, एक नंबर, अलग ही नज़ारा है। इस व्यू के साथ अपनी जर्नी की स्टार्ट कर रहे हैं सुबह सुबह, और सुबह सुबह स्टार्ट कर रहे हैं तो अच्छा भी लग रहा है। नाइट में आते तो थोड़ा अंधेरा मिलता है यहाँ, और ये रोड पर गड्ढे वगैरह जाना है बहुत सारे, और इस व्यू के साथ तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलिए चलते हैं आगे की साइड मज़े करते हुए। तो गाइस पेट्रोल फिल कराते हैं यहाँ पे पहले, आप टैंक फुल, रेट है 94.46। मस्त टैंक फुल कराएंगे यहाँ पे, देखते कितने को होता है। टैंक फुल करा लिए पूरी ऊपर तक और 1000 रुपये की आ गई पेट्रोल, 1000 रुपये की समथिंग आई है, 10 लीटर 10.5 लीटर पेट्रोल आई है। तो टेंशन फ्री, 94.46 काफ़ी कम है, अपने ग्वालियर में 6 रुपये है, 12 रुपये जाना है, तो इसलिए हमने यहाँ से भराई और काफ़ी कम पड़ गया टैंक फुल ऊपर अपना। अब मस्त चलते चलो कहीं भी चलो, पेट्रोल टेंशन नहीं है। अब गौरव फिल करा रहे हैं, गौरव फिल करा ले फिर चलते हैं। तो गौरव की गाड़ी में आ गई है 1200 रुपये पेट्रोल, एक खास टैंक बड़ा है इसका, इस चक्कर में आई है, अपने में कमाई है 1000 रुपये की, ठीक है कोई बात नहीं, आगे सब फिल करा लेंगे, जरूरत पड़ेगी वहाँ पर। रस्ते में पेट्रोल में आराम से मिल जाएगा, और अपनी बोतल भी लाए हैं कैन करने भरने के लिए बोतल को, जो कि पहाड़ों में पेट्रोल कम मिलेगा तो बोतल रख कर चलेंगे अपन। और ये व्यू बस आगरा आने वाला है कुछ टाइम, और 20 से 25 किलोमीटर आगरा रह गया है, लेकिन उससे पहले हम मुड़ जाएंगे लेफ्ट साइड के लिए, क्योंकि मथुरा आगे पड़ता है। लेकिन उससे पहले भी नाश्ती दुकान है, यहाँ पहले पिछली बार हम मनाली गए थे उससे पहले नाश्ता किया था, तो वहीं पे इस बार भी नाश्ता करेंगे हम, क्योंकि जब हाईवे पर चढ़ जाएंगे तो काफ़ी कम दुकानें मिलती हैं, अच्छी नहीं मिलती इस चक्कर में, और वो दुकान अच्छी थी नाश्ता, लेकिन आगरा का सिस्टम ही अलग है नाश्ता खाने का। ओह माय गॉड, टिंग टिंग अतल बदल हो गए पूरे।
क्या ही नेक्स्ट लेवल कर देते हैं। ये आगरे से पहले हमने लेफ्ट ले लिया है, नाश्ते की दुकान बंद थी, दुकान तो खुल गई है लेकिन अभी नाश्ता बना नहीं है, सुबह का टाइम होना 7 बजे अभी इस चक्कर में। तो हम तो आगे भी आ गए, बड़े वाले आगे मिलेगा वो खा लेंगे, बाकी हम पास मटरी वगैरह और भी चीज़ें हैं वो खाएँगे, रास्ते में अच्छा मिलेगा तो ठीक है। यहाँ से दिल्ली 200 किलोमीटर रह गया है और आगे की साइड में हम तो आरा से ही आ रहे हैं, 201 किलोमीटर दिल्ली ये आ चुका है। तीसरा टोल एक वहाँ ग्वालियर में, उसके बाद आया था उन्होंने कहा, अब ये तीसरा अपना, क्या अपना तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाओ शांति से, कोई देखने वाला कोई टोकने वाला नहीं। बाइक का ही फ़ायदा है, बिना कोई टोल के चाहे चले जाओ मस्त आराम से, बस एक्सप्रेस वे हो तो वहाँ पर टोल देना पड़ता है और बाकी तो मज़े ही मज़े। तो गाइस चाय ले ली है और ग्वालियर से 150 किलोमीटर हम आ चुके हैं, हम यहाँ से मथुरा रह गया है 20 से 25 किलोमीटर दूर रह गया है, तो चाय का आनंद ले रहे हैं, काफ़ी थक गए हैं और बैग भी ढीला हो गया थोड़ा, बैग को टाइट करते हैं, लटकने लग रहा है, चांद लटक रहा है तो टाइट करते हैं उसको, चलते हैं यहाँ से थोड़ा आराम भी कर लें और खाने को कुछ मिले नाश्ता वगैरह यहाँ पर कहीं नहीं है, हमारे पास मटरी वगैरह है वो निकालते हैं और हम ले गए थे खोए के लड्डू, दे सकते हो आप घर से बनाए बढ़िया मस्त, कहाँ दे रहे हैं यहाँ पर मस्त लाए थे, टेस्टी एक नंबर, रेडी हुए हैं और 1 से 1.5 घंटे रेस्ट कर लिए, यहाँ पर आराम मिल गया है, थोड़ा सो लिया यहाँ पर, बोला कोई नींद आ रही थी मेरे को, थोड़ी नींद आ रही थी और नींद में गाड़ी जाना बेकार है, तो यहाँ पर रेस्ट कर लिया हमने और सामान पैक कर लिया पूरा, चलते हैं यहाँ से निकलते हैं आगे की साइड। तो भाई चलिए चलते हैं, अब काफ़ी मस्त रेस्ट कर लिया, आराम मिल गया यहाँ पर, अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है बॉडी को, आराम मिल गया, रेस्ट मिल गया इस चक्कर में और नींद भी ले ली तो अच्छा लग रहा है, और सिस्लैंड आई भी है मस्त आई भी एक नंबर, तो दिक्कत नहीं आने वाली, आराम चलेंगे मस्त बढ़िया, और बैग भी ढीला हो गया तो वो भी टाइट कर लिया अपन ने। बस ये बना हुआ है जय गुरुदेव का टेंपल मंदिर, काफ़ी अच्छा बना हुआ है देख सकते हो, वाइट वाइट पूरा, और आइए बनाया है मैंने आज के साइड से ही है, दर्शन करना दर्शन कर सकते हो अंदर आप, ओके आ सकते हो मंदिर में, मथुरा जाने के लिए रास्ता नीचे वाला ये ऊपर बाईपास के लिए है, तो यहाँ से राइट जाना है तो वृंदावन है, गोवर्धन के लिए लेफ्ट जाना पड़ेगा, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, देखो तो मूर्ति बन रही है काफ़ी बड़ी, और एक उधर भी बनी बन रही है तो मूर्ति बन रही है बड़ी बड़ी, और आई भी एक नंबर वृंदावन गोवर्धन, नीचे से लेफ्ट लो पहले फिर राइट लेना पड़ेगा वृंदावन के लिए, बाकी हमें तो फ्लाईओवर यूज करना है, इसी रास्ते पे आपको कई सारे ढाबे वगैरह मिल जाते हैं, इधर साइड लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड ही काफ़ी सारे ढाबे बने हुए हैं, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है और खाना भी काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि सारे ढाबे हैं, तो अब मथुरा वृंदावन के नाम से जाना है, राधा कृष्णा ऐसे ढाबे जाना है और मज़ा आया, एक नंबर रोड तो एक नंबर रही है, 80-85 चल रही है गाड़ी, 80-70 चला रहे हैं हम, 80 चला रहे हैं, कोई दिक्कत आई जाना गाड़ी चलाएंगे तो, और लंबे चलाना है हमें इस चक्कर में, अभी 70 चल रही है देखो आप देख सकते हो, 70 ही चला रहे हैं 70-80, और रास्ते में मंदिर वाला मिलना है, क्या ही व्यू एक नंबर, ये मंदिर बना हुआ है कोई प्राचीन हनुमान जी मंदिर, जय हनुमान जी, हर महादेव, शिव शंभो, जय श्री राम, को हुए हैं बड़ी धूमी ढाबा पे, यहाँ से दिल्ली रह गया 100 किलोमीटर समय रह गया है, और खाने लिए मंगा लिया है दाल तड़का और तंदूरी रोटी, तो ये दाल आ चुकी है अपनी और प्लेट आ चुकी है, रोटी का वेट कर रहे हैं, रोटी आ रहा है पहले, रोटी आ चुकी है अपनी और बटर अलग से मंगा लिया, 15 रुपये की रोटी है और 20 रुपये बटर, बटर का 10 वाली लेकिन 20 की दी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेते हैं ये खाते हैं, प्याज सलाद सलाद मिला है, थोड़ा थोड़ा सा प्याज मिली है, मिर्ची और कुछ नहीं, उसके अलावा भाई टेस्ट करते हैं, खाते हैं बताते हैं कैसा क्या है। तो वाइस खाने का भी अच्छा है, वाइस खाना हो चुका हमारा, खाना ठीक ठाक था, बढ़िया था, मज़ा आ गया, तो रेस्ट करते हैं यहाँ पे, आराम करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से भी। तो गाइस हम निकल चुके हैं और खाना टेस्टी था, 300 रुपये बैठा हमारा, कोई दिक्कत नहीं, और 2 दिनों में 150-150 रुपये कोई दिक्कत नहीं है, और चल रहे हैं आगे की साइड। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली से 90 किलोमीटर रह गया है, उससे पहले हमने रेस्ट लिया थोड़ा सा क्योंकि नींद आने लगी रास्ते में, 20 किलोमीटर वहाँ से खाना खाया था, वहाँ से 20 किलोमीटर चलने के बाद हमें नींद आने लगी थी, तो हमने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी थोड़ा आराम किया, सुली थोड़ा 1 घंटे का हमने रेस्ट कर लिया हमने यहाँ पर, अब चलते हैं निकलते हैं यहाँ से, अब देखते हैं दिल्ली कितनी देर में पहुँचते हैं, मैक्सिमम हो रहा है वहाँ दिल्ली से ही घूमते हैं, अब देखते हैं सभी रहता है, बाकी गुड़गांव से होते हुए लंबा पड़ा 60 किलोमीटर। तो भाई मिले हैं ये वृंदावन से आ रहे हैं, ट्रिप करके दिल्ली गाड़ी हो जाएगी, और दिल्ली आ रहे हैं यहाँ से, निकल चुके हैं अपनी मंजिल के लिए फिर से, ये झंडा थोड़ा ढीला हो गया है शायद से, चक्कर में थक रहा है बार बार, और काफ़ी अच्छा लग रहा है थोड़ा आराम करके, सिर में दर्द हो रहा थोड़ा थोड़ा, इसलिए हमने टैबलेट खा ली सिर दर्द की,
हेलमेट लगाया नहीं है बहुत दिनों से और कंटिन्यू लगा हुआ सिर पे, इस चक्कर में दर्द होने लगा सिर में। बाकी चल रहे हैं आगे, गौरव निकल गया थोड़ा आगे। तो ये रास्ता है सामने से, अगर लेफ्ट से आना है तो गुड़गांव होते हुए निकल जा सकते हैं, लेकिन इधर से क्या 60 किलोमीटर लंबा पड़ेगा और दिल्ली में थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ से आधा घंटा लग जाएगा और गाड़ी में बचेगी, पेट्रोल बचेगी हमारी और टाइम भी बचेगा साथ साथ। और ठीक है, देखते हैं जाम होगा, ट्रैफिक देखेंगे, ऐसा भी रहेगा, सोचेंगे कि बाहर से निकलने की कोशिश करेंगे, ही रास्ता होगा था वहाँ से ही। चलो चलते हैं फिर। दिल्ली में एंट्री हो गई हमारी और दिल्ली का ट्रैफिक जैसा कि देख सकते हो सामने आप, और यहाँ से रास्ता मिल रहा है चंडीगढ़ का, जहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, चंडीगढ़ तक तो है नहीं, वहाँ से फिर से पहले रुक जाएंगे, कुछ ना कुछ आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देख सकते हो दिल्ली का ट्रैफिक काफ़ी, यहाँ ट्रैफिक है अभी तो कम है, पीछे और जहाँ था अभी आगे शायद से और मिल सकता है, क्योंकि आगे अभी तो एंट्री हुई है दिल्ली की, अभी तो आगे बहुत जाना है, पूरी दिल्ली पार करना है इसमें से। काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, पूरी जैकेट गीली हुई अंदर से, सिग्नल पे शायद से 2 मिनट या 1-1.5 मिनट सिग्नल था। अभी भी जाम मिल रहा है, ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा, लेकिन चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से वह दिल्ली निकल जाए फिर तो अच्छा। हाईवे है मस्त, एक नंबर 3 लेन 6 लेन हाईवे है। इंडियन फ्लैग ले रहा था वो अपना, एक यहाँ ले जा रहा है एक वहाँ पर सामने ही। तो ऐसे आ चुका सामने कचरे का ढेर, मतलब कि दिल्ली निकल चुका है, पीछे छोड़ गए हैं दिल्ली को हम, और दिल्ली पार हो गया है, ट्रैफिक ख़त्म दिल्ली का। काफ़ी बड़ा डंप यार्ड दे सकते हो सके सामने आप, काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही है। दिल्ली निकलते हैं यहाँ से, यहाँ से करनाल लगा है 112 किलोमीटर और अम्बाला है 195। चलते हैं आराम आराम से, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है आज, जहाँ तक होगा वहाँ चलेंगे। क्या मस्जिद बनी हुई सामने, काफ़ी बड़ी है विशाल। तो गाइस रास्ते में थोड़ा आगे आ गए थे पानीपत से, 60 किलोमीटर रह गए यहाँ से और भूख लगी थी काफ़ी तेज़, तो हमने यहीं पर रोक लिए, पकौड़ा पकौड़ ये मिली हैं, लेफ्ट से थोड़ा बहुत ढूंढने बाद मिल गए, अच्छे हैं और यहाँ पे वेट के हिसाब से हैं 320 रुपये किलो, जितने भी आए पकौड़ा पकौड़ जो भी हैं और ब्रेड पकौड़े हैं 30 रुपये के आप है और 60 रुपये का फुल, और दिखाया था मैं आपको, और टेस्ट करते कैसे क्या है। और चाय है वो 20 रुपये की एक चाय है, पल्लड़ में चाय वो भी, और ये सब ले सकते हो आप, सब 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 इंडिया से, सब इंडिया से हो सारे सारे हां, तो वाली है ये सारे ही है अपना संभल का पानी पिए सब। और चाय आ गई, हम चाय लेते अपनी, छोटी है मॉल मॉल वाला बन यार। तो ये दो चाय और चटनी और दो ब्रेड पकौड़े, 60 रुपये के दोनों ब्रेड पकौड़े हैं ये, चाय 20 रुपये की, कुछ करते हैं दादी कैसे क्या है। और वैसे ब्रेड पकौड़े पनीर के दे सकते हो सही आप, और चटनी खाएंगे हम तो, टेस्ट करके देखते हैं भाई कैसा है, मस्त टेस्ट, एक नंबर। तो भैया आपका क्या नाम है? मासूम। मासूम मासूम, आप भैया ने अरे हमने पकौड़े खा लिए यहाँ पे और चाय पी ली, तो भैया पैसे नहीं ले रहे हैं, बस ये भिंड के हैं और मैं ग्वालियर का हूँ, इतना अंतर है, 80 किलोमीटर की दूरी का अंतर है, पर भैया पैसे नहीं ले रहे हैं, क्या करें, कुछ तो ले लो, 1% ले लो, नहीं कुछ तो काट लो, 1% भी भाई रख लो, 1% पैसे नहीं ले रहे भैया। थैंक यू भैया, धन्यवाद आपका, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं मतलब ऐसे सफ़र में, तो भैया धन्यवाद आपका। खा लिया हमने और भाई ने पैसे नहीं, आपने वीडियो देख ली होगी, और ये होटल है यहाँ पर देख सकते हो आप, और चलिए चलते हैं यहाँ से अब, काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे लोग मिलते हैं अपने ही, लेकिन हम पैसे दे रहे थे, पैसे नहीं लिए भैया ने, अब ठीक है भैया की मर्ज़ी, वो भी पास में से कोई कभी कभी आता है कोई भी ग्वालियर उनके पास से, तो उनको अच्छा लगता है दूर से, दूर से कोई उनके जान पहचान का आ रहा है वहाँ से। यहाँ से पानी पर तक गया है 50 किलोमीटर और सोनी पर तक गया है 5 किलोमीटर ओनली, और जो नाश्ता वो दुकान थी नाश्ते की उससे थोड़ा पहले ही है, जो बाईपास मिलता है हाईवे वाला वहाँ पर, उसके पहले ही नीचे की साइड मोड़ोगे वहीं पर आपको दुकान मिलेगी मिलेगी, और काफ़ी अच्छा टेस्ट था, मज़ा आ गया एक नंबर। और भाई चल रहे हैं हम आगे की साइड, जहाँ चल सकते हैं यहाँ तक, अभी नाश्ता कर लिया है, पेट भी मस्त हो गया है और टेस्ट भी अच्छा था, चक्कर में और मज़ा आ गया, चाय भी एक नंबर थी, अब तो आराम से रुकेंगे, चलते चलेंगे, अब तो चल सकते हैं। शिव और हनुमान जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, कितनी बड़ी बड़ी मनोकामना मंदिर, और हाईवे काफ़ी अच्छा है, और ये लास्ट व्यू है इस हाईवे का, क्योंकि नाइट होने वाली है, फिर आएगा अंधेरा अंधेरा पूरा, और देखते हैं कहाँ जा सकते हैं हम आज, अभी तो एनर्जी हमारे अंदर और गाड़ी में भी एनर्जी है अभी, क्योंकि अभी रेस्ट दिया गाड़ी को, और गाड़ी बस चल रही है मस्त, आराम किया कर लिया इस चक्कर में, और पानी पर तो यहाँ से 30 किलोमीटर रहेगा 37 चल रहा है लगातार,
रुक नहीं रहे अभी तो, बारा पीछे आ रहा है आराम आराम से। ये भाई साहब पता नहीं क्या ही ले जा रहा है इतना बड़ा डिब्बा, काफ़ी लंबा है, ट्रेन में क्या तो लग नहीं रहा। टोल पे क्या निकलता हो मुझे समझ में नहीं आता, टोल पे वाला रहता है इनका क्या निकलने का, क्या ही चीज़ है। टैंक लग रहा है काफ़ी बड़ा, रॉकेट का तो नहीं है कुछ, जो भी है बहुत बड़ा है। और गाइस बात करें पानीपत के इतिहास के बारे में, तो पानीपत में मुख्य तीन युद्ध हुए थे, जिसमें पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था और इसमें दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था, और दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था जो कि इसमें हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको मौत की सजा दी गई थी, और जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था जिसमें अहमद शाह दुर्रानी ने मराठों को हराया था, और पानीपत को पांडवप्रस्थी बोला जाता है, और पहले इस जगह को बुनकरों का शहर भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर कपड़े मिलते, कपड़ों का बना हुआ कपड़ा मिलता था पहले यहाँ पर, तो इसलिए इसको बुनकर का शहर कहा जाता था। और बाकी यही है इस पानीपत की इतिहास की कहानी, और फिलहाल चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, आगे की तरफ कुरुक्षेत्र पहुँच रहे हैं, उसकी भी बातें बताएंगे हम आपको। वो रहे यहाँ से 60-70 किलोमीटर रह गया है, पानीपत निकल चुके हैं हम। और कहीं बात करें कुरुक्षेत्र की इतिहास के बारे में, तो कुरुक्षेत्र का इतिहास बहुत ही रोचक है और यह कई तरह के प्रभावों का गुजरा है। कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर पड़ा है जिसका शासन इस समय इस जगह पर था। कुरु वंश के बाद कुरुक्षेत्र पर बौद्धों का जौनियों का प्रभाव पड़ा। कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध का स्थल है, यह वह जगह है जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र में नवंबर दिसंबर में गीता जयंती का आयोजन होता है। कुरुक्षेत्र बासमती चावल के उत्पादन के लिए भी मशहूर है। हमारे 500 किलोमीटर हो गए इस राइड के, मतलब आज एक ही दिन में हमने 500 किलोमीटर चला दिए है। अभी थोड़ा आगे जा रहे हैं, पेट्रोल देख रहे हैं, पेट्रोल मिलेगा वहाँ पर रुक जाएंगे, बाकी बताते हैं आपको जैसे भी रहता है। और नाइट हो गई है तो, और टाइमिंग भी 9:30 बज गए हैं समथिंग, आप लोग स्टैंड लेते हैं भाई, जगह देखते हैं, पेट्रोल पंप पर पूछेंगे कहाँ जगह मिलती है। तो भाई हमारे जैसे 500 मीटर डन हो चुके हैं, और उससे थोड़ा आगे आके हमने पेट्रोल पंप पर पूछा, तो भैया ने बताया कि हमने साइड की बोली साइड में टेंट लगा दें, तो भैया हमको तो भैया बोले पार्क है, पार्क के बगल में वहाँ पर टेंट लगा सकते हो तुम, और खाना खाने का हमारा पेट भरा हुआ है क्योंकि हमने शाम को नाश्ता किया था 5 बजे टाइम पर, तो वही ब्रेड बॉल खाए थे और चाय पी थी, इसी से बहुत टाइम पेट भरा हुआ है, और मटरी वगैरह खाई थोड़ी बहुत समय रुक के हमने, और मटरी रखी हुई है हमारे पास, तो वही खाते हैं और पेट भरते हैं अपना। और जगह है मैं दिखा दूँ आपको, जगह काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे पार्क है पूरा, ये पार्क बना हुआ है और यहाँ पर हम टेंट ला सकते हैं अपना, काफ़ी अच्छी जगह है, एक नंबर मस्त जगह है। और गाड़ी यहीं लगा देंगे साइड में, दोनों एक से एक लगा दें लाइन से, और टेंट अपने ऊपर लगा लेंगे, और बैग अपने पास ऊपर ही रख लेंगे, इससे दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी टेंशन करते हैं, मिलते हैं आपको टेंशन करने के बाद। तो गाइस हमारा 500 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, 520 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है हमारा घर से, बाकी नाश्ता कर रहे हैं अपना, और टेंट सेटअप हो चुका है ऐसे ही देख रहे हो आप, और काफ़ी अच्छी जगह है, सामने ही पार्क है बैठने के लिए, सुबह हम लोग भी आ सकते हैं आराम से बैठ सकते हैं पार्क में, और यहाँ पर अपना टेंट सेटअप करके कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी निकलेंगे क्योंकि मनाली जल्दी से जल्दी पहुँचे, तो वहाँ पर फिर टेंट का सेटअप देना पड़ेगा जिससे। तो बाकी इस वीडियो को इंपेंड करते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, और इस पूरी सीरीज़ की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप आराम से चेक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।